से तामीर तक। कोई चुप करवाने की कोशिश भी ना करे, मौजूदा हालात में खामोश नहीं रह सकता। नवाज शरीफ का दो टोक ऐलान, कहती है चारों तरफ निगाह डालता हूँ तो दिल बहुत गमगीन होता है। हम क्या थे, कहाँ जा रहे थे, आवाम की जिंदगी अजीरन हो चुकी। सिलेक्टेड ने मुल्क को तबाह बर्बाद कर दिया। क्या रियासत मदीना ऐसी होती है? नवाज शरीफ का नून लीग की सेंट्रल वर्किंग कमेटी के इजलास से खिताब। तोशाखाना रेफरेंस में नवाज शरीफ की जायदाद और असासे जब्त। नैब ने लीगी कायद के असासों की रिपोर्ट एहतसाब अदालत में पेश कर दी। नवाज शरीफ की प्रॉपर्टीज, गाड़ियों, बैंक अकाउंट से मुतालिक रिकॉर्ड इकट्ठा किया गया। साबिक वज़ीर-ए-आज़म के नाम पर लाहौर में 1,550 क्विंटल से ज़ायद ज़रई अराजी की तस्दीक। मर्सिडीज, लैंड क्रूजर और दो ट्रैक्टर्स का भी रिकॉर्ड हासिल कर लिया गया। वज़ीर-ए-आला पंजाब उस्मान बुज़दार से मुलाकात क्यों की? नून लीग ने 5 अराकीन को पार्टी से निकाल दिया। क़यादत की मंजूरी पर एहसन इकबाल ने ऐलान किया। नून लीग से निकाले जाने वालों में अशरफ अंसारी, जलील शरकपुरी, फैसल नियाज़ी, निशात दहा और मौलवी गयासुद्दीन शामिल। पंजाब असेंबली से रुकनियत खत्म करने के लिए इलेक्शन कमीशन से राबता किया जाएगा। फयाज़ुल हसन चौहान ने नवाज शरीफ के खिलाफ गद्दारी का मुकदमा चलाने का मुतालिबा कर दिया। कहते हैं नवाज शरीफ बुक्स और कीना में हद से आगे निकल चुके। उन्होंने क्रूज मिसाइल की बात करके कौमी राज अफशा किए।